नमस्कार जोहार खेल जगत के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे झारखंड में खेल की स्थिति और उसकी संभावनाओं को लेकर और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है झारखंड के खेल निदेशक संदीप कुमार जी को तो संदीप जी आपका स्वागत है नमस्ते आप धन्यवाद आपने, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया हम आपसे जानना चाहेंगे झारखंड में खेल पॉलिसी क्या है या झारखंड की खेल पॉलिसी क्या है सर ये लेटेस्ट पॉलिसी जो झारखंड खेल नीति 2022 को आई है इसमें इसका मेन मोटो जो है वो है स्वस्थ झारखंड और ख़ुशहाल झारखंड इसके तहत हम लोग खेलों का विकास करते हैं नीचे तबके से ग्रामीण स्तर से पंचायत स्तर से टैलेंट हंट के तहत हम लोग बच्चे अच्छे खिलाड़ियों को लाते हैं ऊपर लाते हैं चयन करते हैं चयन करने के बाद उनको सारी सुविधाएं जो है हम लोग मुहैया कराते हुए उनको इस स्तर तक बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जीवन में विकास हो और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पर्धा में वो शामिल हों और एक अच्छे जीवन शैली अपनाए बीच बीच में खेल पॉलिसी बनती रही है और ये सबसे लेटेस्ट खेल पॉलिसी है जी हाँ आपके विभाग की जी जी हाँ खेल संघों को भी आप अनुदान देते हैं जी हाँ है उसके लिए ये झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन है जिसमें कि लगभग लग 24 लग एसोसिएशन हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं वो अगर स्पर्धा कराते हैं तो उन लोगों को ग्रांट हम लोगों के सर के तरफ से खेल विभाग के तरफ से दिया जाता है एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर इंटरनेशनल मान लिया जाए कि एग्ज़ाम्पल के लिए कि इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट अगर हो तो ए बी, सी तीन कैटेगरी के, के खेलों को रखा गया है ए कैटेगरी में लगभग सात खेल खेल हैं जैसे आर्चरी हो गया हॉकी हो गया बैडमिंटन हो गया और कबड्डी हो गया इसके अलावा और भी खेल हैं वो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर खेले जाते हैं अगर आयोजन है तो उसके लिए हम लोगों का ग्रांट का प्रोविज़न है उसमें एक करोड़ रुपये तक का ग्रांट हम लोग देते हैं पचास प्रतिशत पहले देते हैं पचास प्रतिशत आफ्टर ऑडिट देते हैं नेशनल उसके अलावा बी कैटेगरी में वो शू आता है और वॉलीबॉल आता है और पारा गेम्स जितने आते हैं वो सब आते हैं उनके लिए अलग कैटेगरी है उनके लिए पचास लाख का अनुदान का है इसके अलावा सी टाइप के कैटेगरी के खेल हैं जिसमें आपको खो खो हो गए और टेबल टेनिस हो गया और और भी अन्य वैसे खेल जो आपके ओलंपिक में खेले जाते हैं शूटिंग एशियाड में हाँ। शूटिंग वगैरह हो गया उन लोग का भी है तो इंटरनेशनल नेशनल जोनल और डिस्ट्रिक्ट ये स्तर के अगर प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं एसोसिएशन तो हम लोगों का ग्रांट का प्रोविजन है उसका पूरा सबका टैली बना बना हुआ है ग्राफ बना हुआ है कि कितना एंटर्न देना है उन लोगों को ग्रांट देना है तो फिफ्टी परसेंट हम लोग दे देते हैं पहले एक उसके लिए एक कमेटी है निदेशालय में एक कमेटी बनी हुई है जो चयन करेगा कि ये कमेटी जो जो खेल स्पर्धा करवा रहे हैं जो एसोसिएशन करवा रहे हैं वो जब रजिस्टर्ड हैं कि नहीं हैं और और भी अर्ताएँ हैं उसको फुलफिल अगर करते हैं तो हम लोग उन लोगों को ग्रांट देते हैं कितने लोगों की कमेटी होती है और कौन कौन लोग उसमें होते हैं छः लोगों की कमेटी है पाँच छः लोगों की कमेटी है जो हमारे विभाग के, लो भीभाग भीभाग के, के लोग विभाग के लोग हैं खेल विभाग के उसमें ओलंपिक एसोसिएशन के भी प्रतिनिधि लोग रहते हैं रहते हैं जी खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था झारखंड में है जी हाँ ये झारखंड सरकार झारखंड के खेल विभाग का एक बहुत ही अहम चीज़ है जो पूरे देश में राजस्थान, हरियाणा के बाद सबसे ज़्यादा जो है कैश अवार्ड वगैरह देने की बात है वो हम लोग देते हैं ओलंपिक में अगर वर्ल्ड ओलंपिक गेम में खेल रहे हों कॉमनवेल्थ में अगर स्वर्ण जीते हों तो पाँच करोड़ तक का हम लोग का कैश अवार्ड देने का प्रावधान है खिलाड़ियों को ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है इसके अलावा पचास हज़ार से लेकर पाँच करोड़ तक का है इसमें सारे स्पर्धा इस जो भी ओलम्प हमारे ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं जितने भी स्पर्धा हैं उसमें अगर नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर जीतते हैं खिलाड़ी अगर लाते हैं मेडल लाते हैं तो अकॉर्डिंगली उनको मिलता है अभी हाल में ही हम लोगों ने चार अक्टूबर को एक बहुत बड़ा आयोजन कराया था झारखंड में ही जिसमें पाँच खिलाड़ियों को हम लोगों ने अवार्ड दिया लगभग पाँच करोड़ रुपये लगभग पाँच करोड़ से कुछ कम है और कोचेज को भी जो उस खिलाड़ी के कोचेज हमारे है, प्रसिक्षक 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 हैं प्रशिक्षक जो हैं जी 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 प्रशिक्षक जो हैं उनको भी अवार्ड देने का प्रावधान है कैश अवार्ड एक तरह से आप कह सकते हैं कि झारखंड में खिलाड़ी और खेल प्रशिक्षक दोनों को सम्मान विभाग ने किया और ये बहुत बड़ी बात है खेलों के विकास के लिए झारखंड में खेल का विकास हो झारखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं इसके लिए विभाग सतत प्रयत्नशील है और इस तरह की प्रोत्साहन राशि से खिलाड़ियों को भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और खेल संघों का भी मनोबल बढ़ता है खेल संघों को अगर आर्थिक राशि दी जाती है आर्थिक सहायता दी जाती है तो खेल संघ भी बड़े बड़े आयोजन कराते हैं और जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं झारखंड में तो यहाँ के खिलाड़ियों को अवसर मिलता है यहाँ के दर्शकों को देखने का अवसर मिलता है एक बहुत बहुत ब्र... कुछ सीखने का जी बा... जी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये हमारे खिलाड़ियों अभी हाल ही में ही में पिछले माह जो है सो आपका बैडमिंटन का अंडर थर्टीन नेशनल हुआ जिसको कि हम लोगों ने खेलगांव में करवाया था तो उसमें 20 लाख का हम लोगों ने ग्रांट अलाउ किया 10 लाख अभी दे चुके हैं और ऑडिट वगैरह का रिपोर्ट आने के बाद करते हैं इसके अतिरिक्त तो, इसके अतिरिक्त तो कल्याण कोष है खिलाड़ी कल्याण कोष भी है जैसे हमारे कोई खिलाड़ी हैं वो अगर सेंटर में हैं अच्छे नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं और प्रतिस्पर्धा के दौरान इंजोर्ड हो जाते हैं तो उनका मेडिकल इलाज के लिए मेडिकल इलाज कर, कर मेडिकल बेनिफिट उनको चिकित्सा अनुदान कहते हैं हम लोग उसमें पैसा हम लोग देते हैं हाल ही में पाँच लाख रुपये हमने भी बांटा है कुछ हमारे कोच एक थे पूर्व के खिलाड़ी रहे हुए थे और कोचे भी हैं उनको हार्ट का कुछ ऑपरेशन हुआ था तो दो लाख रुपया उनको हमने निगरान दिया था इसके अलावा एक बच्ची का ऑपरेशन हुआ था नी के पास हुआ था उसकी सर्जरी कुछ भी सात सत्तर पचहत्तर हज़ार रुपया दिए ये भी प्रावधान है और कुछ खिलाड़ियों को हम लोगों ने इक्विपमेंट्स भी दिया प्रतिस्पर्धा के लिए इक्विपमेंट्स का भी प्रावधान है महंगा कई खेल जैसे जेल है शूटिंग है ये सब महंगा खेल है तो ऐसे खेलों में चूँकि यहाँ के खिलाड़ी गरीब होते हैं गरीबी से निकलते हैं तो उन्हें बेहतर कोई इक्विपमेंट मिले और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में वो अपनी पहचान बना सके इसके लिए खास करके तीरंदाजी वगैरह में शूटिंग वगैरह में जो कि महंगा खेल होने के कारण इन खिलाड़ियों को अगर राशि मिलती है तो एक बहुत बड़ी बात है खिलाड़ियों को दे रहे हैं और इक्विपमेंट्स भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं अब जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो आपको फोर्टीन टू ट्वेंटी वन के बच्चे लोग के लिए अंडर फोर्टीन को जो है उसका एक जो खिलाड़ियों को जो हम लोगों ने चयन करके अपने यहाँ प्रशिक्षण के लिए लाया है उसका एक कैटेगरी है हम लोगों का अलग कैटेगरी है हाँ। लेकिन जो झारखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे खिलाड़ी पहचान बनाए जी 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 उनके जी। बारे में आप कुछ बताएं हाँ अभी अभी जस्ट हाल का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि दीपिका ओलंपिक में क्वालिफाई की थी तो क्वालिफिकेशन पर ही हम लोगों ने उनको सात लाख रुपये का दिया अगर वो मेडल जीत जाती स्वर्ण जीतती है अगर तो पाँच करोड़ देते हैं, सिल्वर जीतती तो तीन करोड़ देते हैं, और ब्रॉन्ज जीतती तो दो करोड़ देते हैं, इतना था लेकिन वो सी एज़ ओनली क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक तो उसके लिए हम लोगों ने सात लाख रुपया दिया अंकिता भी थी उसको भी सात लाख रुपया हम लोगों ने दिया तो ये एक उत्साहवर्धक पॉलिसी है हम लोगों के खेल मंत्रालय बहुत सारे खिलाड़ी हॉकी वगैरह में बहुत सारे खिलाड़ी अपना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं जी 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 खास करके झारखंड तो हॉकी का गढ़ माना जाता था सलीमा टेटे सलीमा टेटे महिमा टेटे और इस दूसरे अन्य खिलाड़ी गोल्डी गोल्डी हैं दीपिका हैं अंकिता हैं ये लोग सभी इंटरनेशनल लेवल के प्रतिस्पर्धा में भाग लिए हैं और खिलाड़ी हैं हमारे हैं सो भी हमारे सारे सेंटर ऑफ एक्सलेंस के ही प्रोडक्ट हैं ये जो खेल के विकास को लेकर झारखंड में क्या काम हो रहा है खेल के विकास के लिए देखिए चार स्तर का हम लोग का है एक डे बोर्डिंग है डे बोर्डिंग में बच्चे का चयन उस एरिया के पाँच किलोमीटर के अंदर में चयन होता है जो पच्चीस खिलाड़ी को चयन करते हैं उनको दो घंटे तीन घंटे का हम लोग प्रशिक्षण देते हैं वो डे बोर्डिंग का होता है डे बोर्डिंग के ही टाइप में क्रीड़ा क्रीड़ा किसलय केंद्र भी सिमिलर वो भी रूप है जिसको किस्टैपेंट देते हैं हम लोग किट्स देते हैं हम लोग उनको मेडिकल का भी मेडिकल फैसिलिटीज भी देते हैं तीसरा हो गया रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल में प्रमंडल स्तरीय चयन प्रतिस्पर्धा होता है वहाँ से सिलेक्शन करने के बाद लोग को रेसिडेंशियल जो आठ दस साल से चौदह साल के बच्चे हैं तो विभिन्न विद्या खेल विद्या में जैसे हॉकी हो गया तिरंदाजी हो गया फुटबॉल हो गया फिर बैडमिंटन हो गया इसके जितने भी स्पर्धा हम लोगों का जो फिक्स ये है खेल है रेसिडेंशियल में बच्चे लोग को रखते हैं अभी इकतालीस रेसिडेंशियल सेंटर हमारे चल रहे हैं विभिन्न ज़िलों में वहाँ उनको खाना रहना सारे इक्विपमेंट्स सब चीज़ फ्री प्रोवाइड कराते हैं उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सलेंस हमारे अभी तेरह बारह स्वीकृत हैं एक प्रस्तावित है पाँच अभी कार्यरत हैं और तीन हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि तिरंदाजी का दो है एक आपको रांची में ही है खेलगांव में एक दुमका में है हॉकी के भी यहाँ पे हमारा ग्राउंड जो है हमारा मेरा, मेरा इस, इसमें हम लोग हॉस्टल में बच्चे लोग को रख रहे हैं जिनका कि ये ये एक्सेलेंस के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा फोर्टीन टू से अबव हैं वो लोग वो हमारे मेडल ले आते हैं वो हॉकी इंडिया में वो लोग ज़्यादातर उन लोग का चयन होता है हाल में ही ग्वालियर में हमारी टीम गई हॉकी की बच्चियाँ गई और वो जीत करके आई पूरे इंडिया लेवल पे आगे की क्या योजना है आपके विभाग की आगे की क्या योजना है कैसे और खिलाड़ी बेहतर निकले कैसे आने वाले ओलंपिक में बेहतर है? झारखंड के खिलाड़ी प्रदर्शन करें या आने वाला कॉमनवेल्थ गेम है एशियन गेम्स है आने वाला समय इस में इसमें इसमें खेल विभाग की तरफ से सेंटर ऑफ एक्सलेंस की संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम को हम लोग जो उसको ले सकें और सुविधा दे सकें उनको तेरह जो स्वीकृत है तेरह चालू कराने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी हम लोग और कुछ रेसिडेंशियल सेंटर्स भी बढ़ाए हैं जिस पॉकेट में जो जिस खेल के लिए वहाँ खिलाड़ी मिलते हैं उस पॉकेट पर हम लोग रेसिडेंशियल सेंटर जो है वो ओपन करने जा रहे हैं डे बोर्डिंग की संख्या बढ़ा रहे हैं पहले 102 थे अभी फिफ्टी सेवन बढ़े हैं और 29 और प्रस्तावित है ताकि दूर दूर दूरस्थ एरिया में भी जो भी जैसे सब का पॉकेट्स है खिलाड़ियों का कि हॉकी हॉकी है तो सिमडेगा गुमला खूंटी ये एरिया में हॉकी बहुत ज़्यादा प्रचलित है रांची हजारीबाग फिर आपका फ़ुटबॉल है तो फुटबॉल गढ़वा क्षेत्र में पलामू क्षेत्र में फ़ुटबॉल के ज़्यादा लोग प्लेयर्स हैं कबड्डी के प्लेयर्स ज़्यादा हैं कुश्ती के प्लेयर्स ज़्यादा हैं तो उस एरिया में उस, उस उसी विद्या का खेल का हम लोग सेंटर खोलने जा खोल रहे हैं फिर आपका बैडमिंटन है बैडमिंटन के लिए रांची भी है जमशेदपुर भी है जामताड़ा है इस तरह से सभी जो भी जितने भी खेल हैं उसको हम लोग डिसेंट्रलाइज करें मतलब कि झारखंड के सब कोने में सभी राज्य में जो जिस राज्य में जिस खेल के लिए ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है और ज़्यादा खिलाड़ी आ रहे हैं उस क्षेत्र में खोल रहे हैं एक ये चीज़ हम लोग डेवलप कर रहे हैं दूसरा चीज़ है एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर की स्थापना कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपका अभी जयपुर में है भुवनेश्वर में है बेंगलोर में है पुणे में है और गुवाहाटी में है तो उसमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में पूरा बिल्कुल डिजिटल जैसे सपोज कोई भी खिलाड़ी हैं कोई भी आए तो किस खेल के लिए उपयुक्त है वो उसका भी निर्धारण कराते हैं उनका स्टेमिना कैसे बढ़े उस चीज़ का हम लोग साइंटिफिक एकदम लेटेस्ट साइंटिफिक तरीके से जो है उसका तैयारी करवाते हैं वो लोग वहाँ पे पूरा टीम रहती है हाई परफॉर्मेंस सेंटर एक है उसमें पूरे टीम है हर तरह का आप किसी जो सेंटर में अब तक तो जाने जी हाँ हा, जी हाँ मैं जयपुर गया था अच्छा वहाँ क्या आपने देखा वहाँ देखा क्या कि कोई भी खिलाड़ी का किसी भी स्तर पर चूँकि प्लेयर्स हैं तो सब किस कौन सा प्लेयर हैं तिरंदाजी के अगर हैं तो उनका ये मसल ये ये पोर्शन ये इसमें कितना स्ट्रेंथ है और कितना स्ट्रेंथ आना चाहिए ये सब सारा कैलकुलेट करके पूरा बताता है वो फुटबॉल अच्छा। प्लेयर हैं तो उनका मसल फिर तैर स्विमर हैं तो स्विमर के अनुसार उसका स्विमिंग का पोर्शन कौन कौन पोर्शन ज़्यादा इफेक्टिव है उसको कैसे डेवलप किया जाए इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक इन्वायरमेंट एक चैम्बर है इसमें इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है जो दो डिग्री तीन डिग्री टेम्परेचर में खिलाड़ी अगर पहुंच गए सपोज विंटर ओलंपिक हो रहा हो तो विंटर ओलंपिक में टेम्परेचर समझ लीजिए कि कितना होगा कम होगा तो उसमें हाउ टू मतलब एक्मेटाइज कैसे हो वैसा वैसा सेंटर में तैयार करते हैं लोग मतलब उस तरह का वातावरण तैयार करके वहाँ खिलाड़ियों का अभ्यास कराया जाता जी, है।, जी। है जो कि आगे आने वाले जहाँ जाना है प्रतियोगिता में वहाँ उस का अनुरूप सके इस तरह की सुविधा उसमें है

उन्हीं का पूरा एक सेटअप है अच्छा जो ओलंपिक हाँ। में स्वर्ण पदक जीते हैं। रहे तो उन्ही के देख रेख में ये बहुत अच्छी बात तो इससे यहाँ के खिलाड़ियों को बहुत लाभ बहुत लाभ मिलेगा एक एक खिलाड़ियों का पूरा पूरा डाटा बेस तैयार होगा और किस खिलाड़ी को किस समय क्या प्रॉब्लम थी फुटबॉल खेल रहे हैं तो उसमें कैरी ले रहे हैं तो किस किस पोर्शन पर कितना चल रहे हैं कितना ज़्यादा उनका पैर आ कप फैलावा साइंटिफिक 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 अप्रोच जो दुनिया के विकसित देश हैं अमेरिका है। रूस जो विकसित देश हैं है, वहाँ जिस तरह से खिलाड़ियों को सुविधा दी जाती है आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ वो टेक्नोलॉजी के साथ आप झारखंड के खिलाड़ियों को ये सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं तो इससे तो निश्चित रूप से यहाँ के खिलाड़ियों को लाभ होगा और एक ज्यादा उम्मीद है कि अगला जब प्रदर्शन होगा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो यहाँ के खिलाड़ी बेहतर करेंगे वो मेडिटेशन भी कराते हैं अच्छा शूटिंग कंसनट्रेशन मेडिटेशन फिर हार्ट बीट का कंट्रोल करना ये सब सारे बताते हैं मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं जी आपके ओलंपिक में दीपिका जो है दीपिका आप पॉइंट टू पॉइंट टू से वो लूज कर गए, गए। लूज़ कर गए तो लास्ट जब तिरंदाजी का स्लॉट जब उसका हो रहा था तो उस वक़्त जो कोरियाई खिलाड़ी थे उनका हार्ट बीट सेवेंटी टू सेवेंटी तक था और हमारी दीपिका का नाइन्टी एट था वो पूरा 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 उसका डाटा आ रहा था आप समझिए कि 98 और 72 में कुलनेस में कितना डिफरेंस आएगा ये चीज़ आपको एच सेंटर हाई सेंटर में यहाँ मिलेगा सीखने को तो, इससे तो अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं खिलाड़ी कैसे नियंत्रण और खास करके जो क्षण है जहाँ अंतिम निर्णय होना है अंतिम शॉट चलाना है, वहां नर, अगर आप नर, नर्वस हो जाने पर थोड़ा सा नर्वसनेस से पूरा एक मेडल चला गया हम लोगों के हाथ से तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी खेल विभाग की कि ये सुविधा आप यहाँ ला रहे हैं और यहाँ के खिलाड़ियों को लगता है अगले वर्ष से ये सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी जी हाँ अगले वर्ष अगले वर्ष जनवरी मार्च मार्च से लगभग हाँ शुरू हो जाएगा तो अगले वर्ष से यहाँ के खिलाड़ियों को सुविधा शुरू आपके खेल निदेशालय का ही अंग माना जाता है झारखंड खेल प्राधिकरण जी हाँ साझा साझा जी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड जी 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 और उसके अभी आप कार्यकारी निदेश साझा का क्या काम है साझा का ओवरऑल जितने भी हमारे स्टेडियम्स हैं जी सारे का मेंटेनेंस हम उनको सिक्योरिटी गार्ड देते हैं क्लीननेस करवाते हैं फिर मेंटेनेंस करवाते हैं फिर इसके अलावा प्ले पे एंड प्ले पे एंड प्ले भी प्रोविज़न हम लोग के यहाँ है जैसे फुटबॉल ग्राउंड हुआ हम लोग का उसके पास आप देखेंगे कि स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल के लिए अगर जनरल पब्लिक जाना चाहते हैं तो मंथली उसमें कुछ चार्जर चार्जेस हम लोगों ने दिया है उसका पूरा मेंटेनेंस हम लोग करते हैं बैडमिंटन के खेलगाँव में है उसमें भी अगर खिलाड़ी मंथली जाते हैं तो उसका भी कुछ चार्जेस है ये रेगुलेट करते हैं हम लोग ताकि मेंटेनेंस इसका हम लोग को चलता रहे इसके अलावा खेलगाँव में हम लोग का भी वहाँ है वहाँ भी जी 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 इसके इसके अलावा मेन स्विमिंग के लिए फोर है बैडमिंटन के लिए टू इसके अलावा जो भी है खिला है उसके लिए फाइव हंड्रेड रुपीज़ का है इसके अलावा मेरे खेलगांव में मासिक या सालाना भी मासिक दे सकते है। मासिक है और सालाना भी एक बार पैसा दे के अपना साल भर का बना सकते हैं हाँ उसका है प्रोविज़न सब बना हुआ है और हमारे जो खिलाड़ी लोग जो हैं ओलंपियंस हैं चाहे नेशनल लेवल के हैं उनके लिए फ्री रहता है ये प्रोविज़न इसके अलावा खेलगांव में आपका बहुत हम लोग का बड़ा सेटअप है लगभग दो फ्लैट्स हैं और एटीन रो हाउसेस हैं उन लोग का भी हम लोग किराए पे देते हैं जैसे कि ट्रिपल आई को हम लोगों ने दिया हुआ है लगभग चौंसठ पैंसठ रूम्स दिए हुए हैं या कोई बहुत बड़ा खेल होते हैं आयोजन होता है तो उसमें उसको हम लोग उसको लेट आउट करते हैं जिससे कि पूरा मेरा जितना भी इनकम भी हो रहे हैं उसको हम लोग रेगुलेट करें और अपना विभाग को चला सकें बढ़िया से ये खिलाड़ियों की जो चयन प्रक्रिया है खास करके डे बोर्डिंग स्कूल में या एक्सेलेंसी सेंटर में उस क्या किस प्रकार है डे बोर्डिंग में तो मेरा लोकल है फाइव किलोमीटर्स के रेडियस में ही बच्चे लोग जो हैं किस उम्र के बच्चे उसमें लिए डे बोर्डिंग में आठ साल से लेकर एट टू कम उम्र कम उम्र के, के बच्चे, के बच्चे, बच्चे का कम हाँ टेन टू फोर्टीन के अंदर ही रहते हैं वो लोग जी तो उनका सिलेक्शन करके वो लोग स्कूल में पढ़ रहे हों दो घंटे तीन घंटे दो घंटे वो अपना स्पेयर करें टाइम मेरे कोचेज़ रहते हैं कोचेज़ को मैं देता हूँ पैसा उनको सिखाने के लिए उनको वो सीखते हैं दो तो तीन घंटे सीखें उसमें से जो सिलेक्ट सिलेक्शन जिनका हो जाता है जो बढ़िया करते हैं उनको फिर हम लोग रेसिडेंशियल में लेते हैं या रेसिडेंशियल में डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रमंडल स्तरीय भी जो टैलेंट हंट होता है प्रोग्राम हम लोग का जो पंचायत ब्लॉक स्तर के बाद डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रमंडल है स्टेट लेवल का है ये सबका अलग अलग अपना स्टेजेस है जिसमें कि उनका सिलेक्शन होता है और उनको रेसिडेंशियल में जो उम्र उम्र के अनुसार उनको हम लोग डिवाइड करते हैं और ये एक्सिलेंसी सेंटर में कैसे सेंटर एक, एक्सेलेंसी एक्स, सेंटर जो है ये साझा के साथ चलता है अच्छा। तो पहले भी हमने से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के बारे में बताया कि फोर्टीन ईयर्स आफ्टर फोर्टीन ईयर्स इसके बहुत पैरामीटर्स सिलेक्शन अच्छा। के ये मतलब कोई भी एक प्रतिस्पर्धा कोई भी एक विद्या है उसमें मात्र 25 लोगों का सिलेक्शन होना है एक सेंटर के लिए वो पूरे होल झारखंड में वो कहीं के भी कहीं जा सकते हैं जैसे तिरंदाजी में मेरा यहाँ पर है दुधा दुमका में है वो पूरे झारखंड के बच्चे हैं उसमें जो टॉपर्स हैं उसका जो उसका क्राइटेरिया बना हुआ है कि उसका सेलेक्शन जो होना है मतलब टॉप ऊपर से जो कर रहे हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करके उस जगह में भेजते हैं और वही सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी के बच्चे बच्चियाँ ही आज आपको मेडल दे रहे हैं तो वहाँ क्या सुविधा देते हैं खिलाड़ी कम्प्लीट रहना खाना इक्विपमेंट्स किट ड्रेसेस मेडिकल फैसिलिटीज फ्री और फिर कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए भी उनका कुछ है हाँ पढ़ाई अच्छा डे बोर्डिंग में हम लोग स्टाइपेंट देते हैं चाहिए बॉडी को फाइव हंड्रेड रुपीज़ का छः हज़ार रुपये सालाना का हम लोग स्टैपेंट भी देते हैं उनको और इनके पढ़ाई के लिए जैसे सेंटर ऑफ एक्सलेंस में खेलगाँव में है तो उनका जेस भी हमारा एक संस्था है जिसको कि मैं बताऊँगा वहाँ स्कूल से बच्चे लोग टैगड हैं ताकि अपना पढ़ाई भी जारी रखेंगे डी स्कूल से लोग टैग किया गया है जेस के बारे में थोड़ी जान ये है झारखंड स्पोर्ट्स प्रमोशन uh, सोसाइटी जो सीसीएल और झारखंड सरकार, सरकार का जो है कोलाबोरेशन से बना हुआ है जो पूरे खेलगाँव का जो है मेंटेनेंस वगैरह देखते हैं और जो भी वहाँ पे भी बच्चे लोग रह करके के वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं अपने खेल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि सी द्वारा फिफ्टी परसेंट का कोलाबोरेशन है ये है कंट्रीब्यूशन है और फिफ्टी परसेंट सरकार देती है और उनके एक्सक्यूटि उनके डायरेक्टर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होते हैं उसके चेयरमैन हमारे चीफ सेक्रेटरी होते हैं तीन सेक्रेटरीज हैं हमारे उसमें एजु, एजुकेशन के फिनांस के और स्पोर्ट्स के और उनके भी जितने भी डायरेक्टर्स लोग हैं सब मेंबर्स हैं और इनवाइटिंग मेंबर्स उसमें हम हैं उस एक्सक्यूटिव बॉडी का वो पॉलिसी तय करते हैं कि कोई भी गेम हो रहा हो तो उसके लिए क्या किसको देना है किस पॉलिसीज पॉलिस को आर्मी को एन को किस रेट पर देना है खेलगाँव का जो फैसिलिटी है मुहैया कराना है इस सारा चीज़ का वो वहाँ से रेगुलराइज होता है हर साल मेंटेनेंस वगैरह स्टेडियम मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उसी को जिस पी एस वो केवल खेलगाँव के खेलगा इसके अतिरिक्त हमारे छः स्टोटअप स्टेडियम हमारे ऑलझारपुर झारखंड में है और तीन अंडर कंस्ट्रक्शन है जो खेलो इंडिया के तहत उनका की बनाया बनाया जा रहा है तो उसका मेंटेनेंस जो है वो साझा करती है तो अब क्या खिलाड़ियों को जो नए खिलाड़ी हैं क्या संदेश देना चाहिए खिलाड़ियों का संदेश मेरा यह है कि पूरे मेहनत करें जतन से खेलें और अपना झारखंड का नाम रोशन करें जितनी सुविधा हो खेल निदेशालय या खेल विभाग जी 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 खिलाड़ियों को मुहैया अभी करें। अभी हमारे लगभग चौबी बाईस डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर हैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर हैं फिर डी हैं सारे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको कि हम लोगों ने सर्विस दिया है और एक एग्जाम्पल तो आप जान ही रहे हैं हमारी सरोजनी लकड़ा वो स्पोर्ट्स कोटा से सर्विस भी दे रहे हैं आईपीएस तक बनी आईपीएस तक बनी है सर्विस उदाहरण है हाँ, एग्जाम्पल है खेल से कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं जी, अब जी, खेल जी, जी। का कंसेप्ट बदल गया पहले लोग कहते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब <laughs> आज क्या है कि खेल से आप बड़ा आदमी बन सकते हैं आप सेलिब्रिटी बन सकते हैं बन आप देश दुनिया में आपकी पहचान हो सकती है तो हमारे खेल निदेशक ने बहुत अच्छी जानकारी दी और झारखंड में खेल की क्या स्थिति है खिलाड़ियों को किस तरह प्रोत्साहन राशि दी जाती है खेल संघों को किस तरह से अनुदान दिया जाता है इन सब के बारे में विस्तार से बताया और ये उम्मीद है कि हमारे दर्शक इससे लाभान्वित होंगे जो दर्शक देख रहे होंगे जो खिलाड़ी देख रहे होंगे उनको इससे काफ़ी लाभ मिला होगा हम यहीं प्रोग्राम समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं और संदीप जी को स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद विशेष रूप से नमस्कार जोहार थैंक यू